आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NS टेक्निकल पर। आज के वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से गूगल पे एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब सभी काम डिजिटल होता जा रहा है और सरकार भी डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा ज्यादा जोर दे रही है। गूगल पे एप्लीकेशन अन्य एप्लीकेशन से सबसे सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, जैसे कि फोन पे एप्लीकेशन और पेटीएम एप्लीकेशन, इनसे बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। यदि आप फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, यदि आप फोन पे एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दी है। आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिए देख सकते हैं और मैंने उस वीडियो में सभी डिटेल में बताया है कि आप फोन पे एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं। चलिए तो आपके लिए बताते हैं कि आप गूगल पे एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए प्ले स्टोर से गूगल पे एप्लीकेशन की डाउनलोड कर लेना है। यदि डाउनलोड की है तो आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको नीचे आते जाना है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बिजनेस बिल्स। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच रिचार्ज, आप यहाँ से डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हैं, गूगल पे रिचार्ज कर सकते हैं, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। चलिए तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पर कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी कंपनियों के नाम आ चुके हैं, विद्युत कंपनियों के नाम यहाँ पर शो कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी विद्युत लाइन कंपनी का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। जो भी आपके क्षेत्र में विद्युत लाइन कंपनी आती हो उसे आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर उन सभी कंपनियों का लोगो भी आप देख सकते हैं। विद्युत कंपनी का नेम पता नहीं है जो आपके क्षेत्र में लाइट प्रोवाइड कराती है विद्युत लाइन कंपनी, यदि आपके लिए उसका नाम पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, आपके लिए जो भी बिल दिया जाता है उस बिल में आपको उस कंपनी का नाम लिखा होता है और उसका लोगो आपको सबसे ऊपर अपने बिल में देखना है। वहां पर उस कंपनी का लोगो देख सकते हैं, उसमें लोगो होगा, जैसे कि इन कंपनियों का लोगो है, यहाँ पर आप उस कंपनी का लोगो देख सकते हैं। उसके बाजू में आपको उस कंपनी का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, आप वहां से नाम देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर उस कंपनी के लिए देखना है कि वह कंपनी कौन सी है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, चलिए तो मैं MP से हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं MP में 5 विद्युत लाइन कंपनी लाइट के लिए प्रोवाइड कराती है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में लाइट संचालन करती हैं। जैसे कि मेरे क्षेत्र की जो विद्युत लाइन कंपनी है वो है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत लाइन, यहाँ पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिंक अकाउंट, यहाँ से आपके लिए अपना अकाउंट लिंक कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर VRS नंबर। अब कई लोग सोच रहे हो कि IVRS नंबर होता क्या है, आपके लिए बता दें कि यह IVRS नंबर के द्वारा ही आपका बिल पेमेंट होता है। यह नंबर आपके लिए जो आपका बिल होता है उसमें मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। यह 9 अंकों का होता है और जो भी विद्युत लाइन कंपनी होती है उनके हिसाब से होता है। बाद आपके लिए यहाँ पर IVRS नंबर इंटर कर देना है। चलिए तो हम इंटर कर देते हैं अपना IVRS नंबर। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है निक नेम, आपके लिए जो भी उसमें नाम डला हो वो आपके लिए यहाँ पर इंटर कर देना है। लिंक अकाउंट पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरी डिटेल आ चुकी है, यहाँ पर लिखा है रिव्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपके लिए एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको लिंक अकाउंट पर कर देना है क्लिक, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका अकाउंट लिंकिंग हो चुका है। जैसे ही लिंकिंग होगा यहाँ पर आपके लिए अपना मंथली जो भी आपका बिल आता है वो यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बिल शो कर रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर करेंगे क्लिक। क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना नेम देख सकते हैं, आप अपना IVRS नंबर देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप अपने अकाउंट के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने अकाउंट के लिए डिलीट भी कर सकते हैं, और यदि कोई अन्य अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिंक अकाउंट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप लिंक अकाउंट एड कर सकते हैं, मतलब की जोड़ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बिल, मेरा बिल यहाँ पर आ चुका है। इसमें एक और खास बात दोस्तों ये है कि इसमें ऑटोमेटिकली ही बिल आ जाता है, मतलब कि यदि आपके घर पर बिल विद्युत लाइन कंपनी से कोई भी बिल देने के लिए नहीं आता है तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही सुविधा है कि इसमें ऑटोमेटिकली ही बिल शो करने लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बिल डेट, मतलब की जो बिल विद्युत लाइन ने जारी किया है वो 29 जनवरी को किया है और मेरे मेरे घर अभी बिल आया।
हुआ यहाँ पर चल सकते हैं, लेकिन जब भी विद्युत लाइन कंपनी बिल जारी करेगी आपके गूगल पे एप्लीकेशन में तुरंत बिल का एक मैसेज आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आपको कितनी देर तक इसे बिल के लिए पे करना है, 14 फरवरी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको बिल पे कैसे करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है बिल पे पर, यूपीआई आईडी पिन डालेंगे, आपका बिल पेमेंट हो जाएगा। के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब और वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दें। आपके लिए हम ऐसी जानकारी देते रहेंगे।